जय हिंद दोस्तों। कल रात को हमारे गांव के जोगा सिंह जी दिवंगत हो गए, तो अभी उनकी शव यात्रा पंचेश्वर की ओर ले जाते हुए हमारे गांव के भाई बंधु, मगर ये अभी कुछ दिनों पहले जो प्राकृतिक आपदा आई थी, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ हो गई हैं कि यहाँ से शव को ले जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। मोटर मार्ग तो पूर्ण रूप से बंद है ही, अब यहाँ से पैदल जाने में भी बहुत असुविधा हो रही है। अभी आप खुद ही देख रहे हैं क्या विपरीत परिस्थिति में है। अभी यहाँ हमारे गांव के जो युवा हैं श्रमदान करते हुए यहाँ से पैदल मार्ग बना रहे हैं, ताकि हम लोग जोगा सिंह जी के पार्थिव शरीर को पंचेश्वर तक ले जा सकें। फाइनली काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद में एक पगडंडी सी तैयार कर दी है हमारे यहाँ के युवाओं ने, तो अब प्रयास कर रहे हैं कि सबको ऊपर लेके जा सकें यहाँ से, ताकि हम प्रस्थान करें पैदल यहीं से अब पंचेश्वर की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस बार जो प्राकृतिक आपदा आई है पूरे हमारे ज़िले में, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ उससे पैदा हो गई हैं, तो उसी से जूझ रहे हैं हम लोग। तो आप खुद ही देख रहे होंगे इसका एक अभी आपके सामने वानगी की किस प्रकार से सब को ले जाने में भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यादगार ईट है कुछ ना भाई, क्या पकड़ा क्या पकड़ा क्या आखिरकार विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए हम लोग पहुंच गए हैं अपने जो सबसे बड़ा धाम है हम लोगों का पंचेश्वर में, जहां पे सरयू और काली का संगम होता है उसके तट के किनारे। इस बार आप देख रहे होंगे दोस्तों कितना विकराल रूप ले रखा है सरयू नदी ने, सीधा जाके काली का पेट फाड़ रही है, अर्थात जो नेपाल से आ रही है नदी काली उसके अंदर समाहित हो जाती है। तो अभी यहाँ अंतिम संस्कार की तैयारी होते हुए ना तो तली रहा ना।